क्या आप कोई ऐसा फूड ढूंढ रहे हैं जो आपके ब्रेकफास्ट की मील को रिप्लेस कर सके, या फिर ऐसी कोई चीज जिसे आप खाएं पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहे और आपका पेट भी मतलब फैट ना हो पाए, तो यू आर ऑन द राइट प्लेस गाइस। सो टुडे वी आर मेकिंग अ डिटेल रिव्यू वीडियो ऑफ अ योगा बार मूसली, सो जो बहुत डिलीशियस होने के साथ साथ इवन इंडिया का जो एक बेस्ट टेस्ट माना जाता है उसके बारे में आज हम पूरा एक डिटेल रिव्यू बनाने वाले हैं दोस्तों। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ओट्स आ रहे हैं, सिंपल ओट्स आ रहे हैं, तो उसको रिप्लेस कर दिया है मूसली ने, और मूसली भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालते हैं ताकि उसका एक अच्छा टेस्ट आ सके। इवन एक सिंपल ओट्स अगर आप देखें तो वो एज कम्पेयर टू वो एक सिंपल होता है, और अगर हम एक मूसली देखें तो उसके अंदर ओट्स, नट्स, इवन फ्लेवर्ड आ जाते हैं उसके अंदर। बहुत सारे लोग स्मूदी बनाते हैं उसकी, तो वो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा महंगा होता है ओट्स से, बट दोस्तों अगर देखा जाए मतलब बहुत लोग रिकमेंड करते हैं मूसली के लिए। सो जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है योगा बार सुपर मूसली, जिसके अंदर 0% एडिड शुगर है, और अगर देखा जाए तो इसके अंदर 82% एलमंड सीड्स होल ग्रेन्स है इसके अंदर दोस्तों, और साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, और आपकी हेल्थ को यार एक हाई लेवल दोस्तों लेके जाता है। और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स इसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ, प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इजिली डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। सो अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट की तरफ देखें दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन 17.4 ग्राम है पर 100 ग्राम पे, और अगर इसकी 40 ग्राम की हम एक स्कूप लेते हैं तो दोस्तों उसका आपको 7 ग्राम का सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रहा है। कार्ब्स मिल रहे हैं आपको 22 ग्राम, डाइट्री फाइबर मिल रहा है आपको 6 ग्राम, और अगर नॉर्मल शुगर लेके तो बहुत ना के बराबर 0.7, अगर आप ऊपर से चीनी डालें तो अलग बात है। और जो लोग चाहते हैं कि मेरे को ब्रेकफास्ट में अच्छी हेल्दी मील मिले तो वो लोग ये प्रीफर कर सकते हैं, मूसली को अपने मतलब डेली यूज में ले सकते हैं दोस्तों। तो मुझे भी अराउंड काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी ले रहा हूँ, तो आप भी ले सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल ओट्स को। अगर ओट्स ना खाएं तो मतलब वो थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि सस्ता होता है, ये आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं स्पेशल ये नहीं कहूँगा कि आप यही मूसली ले, बिकॉज मूसली कोई मेरे को स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे को कोई पैसा नहीं दे रही दोस्तों, ये मैंने अपने जेब से बाय करा है ताकि मैं आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकूं। तो उससे आगे मैं आपको प्रोडक्ट का पूरा टेस्ट रिव्यू सारा दूं, उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मैं मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलती है एक अच्छी हेल्दी वीडियोज आप लोगों के बनाने के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई मेरे पास अब ये योगा बार है और मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। तो ऊपर इसमें जैसे कि ये एक सिपर टाइप दे रखा है और ये कट करने का एक हिसाब से अपने आप इन्होंने दे रखा है, तो मैं इसको कट करता हूँ और ये कट हो गया। इसमें इन्होंने ऑलरेडी एक सील टाइट वो दे रखा है पैक सा, तो ये खुल गया है और इसके अंदर से जो ये मूसलीज निकली है तो वो मूसलीज ये वाली है। फ्लेवर टू फ्लेवर डिपेंड करता है, मैंने जो फ्लेवर लिया है वो आलमंड्स एंड सीड्स और होल ग्रेन्स वाला लिया है, तो इसमें काजू, बादाम और ये अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की मूसलीज बनी हुई है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी ये दूध अपने पास से रख रखा है, ठीक है, ये हल्का सा गर्म दूध है। तो अब ये इसके अंदर एक, दो और ये 3 चम्मच मैंने डाल दिया, इसमें 4 डालूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये इसमें ये घुमा दिया मैंने, अभी थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही गर्म हो जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, और बाकी इसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे होता है। और इसको सबसे अच्छी बात है कि आप ये टाइट करके भी रख सकते हैं, और ये पूरा सील पैक हो चुका है, और ये इसको रख दो साइड, और ये अपना व्हाट्सअप कुछ देर के लिए छोड़ दो। रखने के बाद यार इसका कुछ ऐसा टेक्सचर आ गया है बढ़िया, बिल्कुल खाने लायक। और मैंने इसके अंदर टेस्ट के लिए ये पीनट बटर डाल लिया है, माई फिटनेस पीनट बटर का, तो इससे क्या होता है शुगर नहीं डालता मैं, चीनी नहीं डालता, इसको डाल लेता हूँ तो इससे प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जैसे पता है कि पीनट बटर के अंदर भी प्रोटीन होता है, तो इसको मैं डाल लेता हूँ टेस्ट के लिए और इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। सो गाइस इसका टेस्ट अभी जैसे मैं खा के बताने वाला हूँ आपको कैसा है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी माई फिटनेस का पीनट बटर मिला रखा है तो टेस्ट तो अच्छे ही आना है, बट मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या मेरे को फील हुआ है, क्या क्या मेरे को टेस्ट हुआ है। डिलीशियस यार, सीरियसली मतलब टेस्ट ना ऑसम है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हर मतलब हर स्पून पे मेरे को ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा ये तो पीनट बटर है, इसमें मेरे को आलमंड भी दिख रहा है ये रहा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो मुझे हल्का हल्का ओट्स और मूसली के अंदर जो भी
इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी मतलब इन्होंने दे रखे हैं वो है यार, मतलब हर बाइट में मेरे को क्रंची फील हो रहा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लेवर ले रहे हो, तो मैंने ये नट्स वाला आलमंड्स और नट्स वाला लिया बिकॉज ऑलरेडी ये 93% प्रोटीन इसमें मिल रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको लिया। तो टेस्ट के मामले में कोई वो नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं चीनी की जगह हनी डाल देते हैं, अगर आप हनी ले तो हनी भी बढ़िया है, वो आपके फैट लूज में आपको मदद करेगा। सो ये था ओवरऑल रिव्यू, टेस्ट में मैंने आपको बता दिया है सही टेस्ट है, मीडियम टेस्ट है। और अगर आपने भी खाया है तो कमेंट करके बताइए, या आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप उसका भी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है मूसली। तो ये थे कुछ अल्टरनेट्स, मतलब ओट्स या फिर मूसलीज में आप कुछ भी ले सकते हैं। ओट्स में मेरे को अल्टरनेट्स मिल जाते हैं, नट्स मिल जाते हैं, तो टेस्ट की वजह से मैं मतलब मूसली प्रेफर करता हूँ। थोड़ा महंगा होता है मानता हूँ, ओट्स से महंगा होता है बट बेस्ट होता है दोस्तों। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ये ले लीजिए, अदरवाइज आप ओट्स लीजिए पानी में दूध में जिसमें आप लेना चाहे उसमें लीजिए, इसको भी पानी दूध जिसमें आप लेना चाहे उसमें ले सकते हैं। सो ये था ओवरऑल रिव्यू दोस्तों। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो मैंने नीचे लिंक दिया, वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो करो यार दोस्तों, क्योंकि फॉलो करने से क्या होगा, जो भी हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स मैं अपडेट करता हूँ डेली वो आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर तो आप मेरे को DM कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी लोगों की हेल्प करने की, आपकी भी हेल्प करूँ। सो एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय।